body so that it protects it from sunburn and stuff. Then we have to stick to the pet food only, because there are certain food which are toxic to the pets, cats and dogs, certain human food. So we have to avoid that. And we have to keep a watch on the temperature. Attention. Normal temperature range of cat is 100 to 102 degree Fahrenheit. If the temperature is increasing, then we have to take certain measures like covering it with a damp towel or putting it under the fan. If still the temperature is rising, then the signs of heat strokes are there, like... अभी इस वक्त मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं और ये है बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय और यहां पे पहली बार कैट शो का आयोजन किया गया है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में ये पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार का कोई शो का आयोजन किया गया। डॉग शो होते रहते हैं पर ये कैट शो ऐसा है जो पहली बार हुआ है। और ऐसे बड़े शहरों में जो होता है, बड़े जो शहर है, बेंगलोर है, जो मेट्रोज हैं, उसमें कैट शो हुए हैं और होते रहते हैं, मगर ये बिहार और पटना, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये पहली बार ये अनुभव लोगों को देखने को मिलेगा। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे पेट ऑनर्स यहाँ पे आए हैं, तरह तरह के प्रजाति के बिल्ली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम अभी कुछ पेट लवर्स जो यहाँ पे जो अपने कैट्स को लेके आए हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। मैम, आपका पेट कहाँ पे है अभी? वो है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये इनका इनका पेट है। क्या नाम है आपके कैट का? इसका नाम मिशी है। मिशी, अच्छा। मिशी का ये कौन सा ब्रीड है? ये पर्शियन ब्रीड है। ओके, पर्शियन ब्रीड। इसके क्या कैरेक्टर्स है, क्या इसमें हैबिट्स इनके क्या है? इसके हैबिट्स अच्छे हैं, डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी नए नए लोग को देख के बहुत ज़्यादा डर गई है। चलिए चलिए, ये तो डरी हुई है, पर यहाँ पे हम देखेंगे और एक यहाँ पे। मैडम, ये कौन सा ब्रीड है? शी इज पर्शियन, पर्शियन है ये। पर्शियन, इसका क्या नाम है? चीको। चीको, चीको, तो ये मेल है? फीमेल। फीमेल, ओके, फीमेल। इसके इसके क्या हैबिट्स हैं मैम, क्या बिहेवियर है? इसका बिहेवियर ये है कि ये बहुत अटेंशन सीक करना चाहती है। शी विल ऑलवेज कुछ ना कुछ ये करेगी कि आप इसके तरफ देखिए, ये इसकी हैबिट। तो ये अटेंशन सीक करना चाहती है, चाहती है कि लोग इसको देखें, लोग आकर्षित हों इसके ओर, तो ये एक हैबिट है। हमारे साथ और एक मैम जुड़ चुकी हैं, इनका ये भी पेट लेके आए हैं, इनके इनके साथ इनका कैट है, हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम, ये कौन सा ब्रीड है जो आप? ये पर्शियन सेमी पंच। सेमी पंच, आप देख सकते हैं मैम के गोद में ये पर्शियन सेमी पंच जो ब्रीड है, ये है यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्टेस्ट के लिए आया हुआ है, पार्टिसिपेंट है ये कैट। मैडम, इसकी हैबिट्स क्या है, क्या आप? वेरी कूल, वेरी अटैच्ड टू द ओनर्स, और क्या बताएं। इसके फूडिंग हैबिट्स क्या है मैडम, ये क्या खाती है? ये खाता है सिर्फ रॉयल कैनाइन ड्राई फूड, रॉयल कैनाइन जेली, नथिंग एल्स। ही सो कूल कि हमारा खाना भी रखा रहेगा, तो इवन ही वोंट गो देयर एंड लुक एट इट, स्मेल भी नहीं करेगा, कुछ नहीं। मैम, ये जानना चाह रहे थे क्या वैक्सीनेशन की भी? वैक्सीनेशन वंस इन अ ईयर, हाँ, वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन की हम बात करेंगे, क्या इसको वैक्सीन दिलाया जाता समय समय पर, जो वैक्सीनेशन होती है? हाँ, जितना भी इसका वैक्सीनेशन का डोज होता है वो सारा टाइम टू टाइम इसे अपडेटेड रहता है। इसके डोज क्या है, डोजेस क्या है? इसके डोजेज है, एक इम्यून हेल्थ इम्यून का है जो उसका डोजेस पूरा हो चुका है, और एक रेबीज का है, उसका भी डोजेस पूरा हो चुका है, ये अभी 5 मंथ्स की है, तो अभी नेक्स्ट ईयर जो डोजेस होगा फिर वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट। मैडम, वैक्सीनेशन की बात करेंगे कि इसका वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल है, क्या क्या इसको वैक्सीन करा? 1 साल की हो चुकी है ना, तो इनिशियली इसको पड़ता था हर महीने, और फिर अभी एनुअली पड़ता है, तो अभी मार्च में इसको एक वैक्सीन पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि कितने जागरूक यहाँ पे पेट लवर्स हैं जो अपने कैट्स को लेके आए हैं, और जो समय समय पर उनको सारा कुछ जो वैक्सीनेशन है वो सब उनको दिया जाता है, और कुछ फॉरेन ब्रीड्स के हैं, कुछ इंडियन ब्रीड्स के भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और एक यहाँ पे भाई जुड़ चुके हैं, ये अपने पेट के साथ, कैट के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है इस आपके पेट का? बेबो। बेबो, सीज मेल और फीमेल? फीमेल। फीमेल है, चलिए। क्या इसको समय समय पर वैक्सीनेशन आप लोग कराते हैं? जी, वैक्सीनेशन। ये क्या खाती है? कैट फूड आता है इसका मार्केट से। कैट फूड आता है, गुड। ये कौन सा ब्रीड है? ये इंडियन ब्रीड है। जुड़ चुके हैं, और देखिए एक यहाँ पे महिला आई है जो अपने पेट को लेके आई है, हम इनसे भी बात करेंगे। हेलो मैडम। हेलो। ये कौन सा ब्रीड है मैम? इंडियन।
इंडियन ब्रीड है, गुड। मैम इसके फूडिंग हैबिट्स वगैरह क्या है, क्या बिहेवियर है इसका? वैसे ये तो ज़्यादा गैदरिंग्स को अवॉइड करती है, ऐसा होम में ये ठीक रहती है। आज गैदरिंग अवॉइड करने के बावजूद आज ये गैदरिंग्स में है जी, तो इसका ज़्यादा वो डिस्टर्बड है। एंड खाने में ये कैट फूड खाती है, कैट फूड खाती है, समय समय पर वैक्सीनेशन कराए जाते हैं जी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कैट्स का जमावड़ा यहाँ पे तादाद जो है वो बढ़ते जा रहा है, और आप देख सकते हैं पटना जैसे शहर में भी कैट लवर्स हैं काफ़ी नंबर्स में हैं, और काफ़ी यहाँ पे बढ़िया माहौल है, चारों तरफ अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग ब्रीड्स के कैट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जो ये है,